दिल्ली एनसीआर में कल से लागू होगा ग्रह। रेवाड़ी में खराब स्थिति में फंसे एयरपोर्ट इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। यही स्थिति रही तो आगामी कुछ दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। ऐसे ही हालात के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप लागू हो जाएगा। इसके मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ सभी एजेंसियों को वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रयास तेज करने का निर्देश दिया गया है। सीपीएसईबी ने एक्यूआई की खराब श्रेणी में पहुंचने से रोकने के लिए कुछ कार्रवाई 15 अक्टूबर में कल से लागू होगा ग्रेप। भिवाड़ी में खराब में शामिल राज्य सरकारों को सुझाव दिए गए हैं। वायु प्रदूषण की समस्या एनसीआर बढ़ने लगी है। यही स्थिति रही तो भिवाड़ी में भी वायु प्रदूषण के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु निपटने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल पहुंच जाएगा है और सभी विभागों के हालात के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 अक्टूबर से खराब हालत रिस्पॉन्स एक्शन प्लान सड़कों से लागू हो जाएगा। इसके मद्देनजर केंद्रीय पहुंची जा रही है बोर्ड ने सर्दियों जगह जगह सड़कों के किनारे कचरा बिछा हुआ है। वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित धुआं दिखाई दे रहा है। प्रयास तेज करने का निर्देश दिया गया है। एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों को सीपीएसईबी ने श्रेणी में पहुंचने से रोकने के लिए कुछ कार्रवाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने होटलों और खुले भोजनालयों में कोयले या लकड़ी का उपयोग शामिल राज्य सरकारों को बंद करने सेवाओं के संचालन की जिससे एनसीआर को वायु प्रदूषण लैंडफिल और अन्य स्थानों पर कचरा जलाने रेवाड़ी में भी वायु प्रदूषण की खराब स्थिति साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने तैयारियां कर लिया है। निर्देश दिया गया विभागों से तालमेल वहीं उद्योगों और बिजली संयंत्रों से सभी प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने सड़कों की खराब संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात सुचारू करवाने के लिए यातायात पुलिस एयर क्वालिटी तैनात खराब स्थिति में पहुंची जा रही है। एनजीटी के निर्देशों भट्टों को निर्देश तथा बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। धुआं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त करने तथा प्रदूषण भारी जुर्माना लगाने होटलों और खुले भोजनालयों में कोयले या लकड़ी का उपयोग सख्ती से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने निर्माण लैंडफिल और अन्य स्थानों पर कचरा जलाने पर लागू रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और गैर अनुपालन वाली साइटों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने आरपीसी भी दिया गया है। वहीं उद्योगों और बिजली संयंत्रों से सभी प्रदूषण नियंत्रण नियमों को काफी लागू करने में है। चिन्हित संवेदनशील लागू होने के बाद यातायात के छिड़काव करवा के लिए यातायात जलाने पर रोक लगाने से कदम उठाए जाएंगे तथा एनजीटी के निर्देशों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सभी भट्टों को निर्देश बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव करने तकनीकी ढंग से सफाई करने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त करने तथा उन पर भारी जुर्माना लगाने व पीयूसी मानदंडों को सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीपीसीबी ने निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू करने और गैर अनुपालन वाली साइटों को बंद करने का निर्देश दिया है। आरपीसीबी भिवाड़ी के आरओ विवेक गोयल ने बताया कि भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। ग्रेप लागू होने के बाद पानी छिड़काव करने खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।